सर्दी, खांसी, दर्द और चोट लगने पर हम में से ज्यादातर लोग झट से हल्दी वाला दूध पीने का घरेलू नुस्खा आजमाते हैं। इससे फायदा भी मिल जाता है, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हर बार यह तरीका अपनाना प्रॉब्लम भी बढ़ा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप हल्दी वाला दूध ज्यादा पीते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। हल्दी हमारे शरीर में पित्त बढ़ाती है और सभी लोगों के लिए दूध का डाइजेशन आसान नहीं होता, इसलिए कई लोगों को हल्दी वाला दूध नुकसान कर सकता है। इसके अलावा सामान्य व्यक्ति भी यदि ज्यादा मात्रा में हल्दी वाला दूध पिए तो उसे परेशानी हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं हल्दी वाला दूध पीने के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। ज्यादा हल्दी खाने से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटता है, जिससे फर्टिलिटी कम होती है। हल्दी वाला ज्यादा दूध पिएंगे तो फैमिली प्लान करने में प्रॉब्लम आती है। हल्दी वाला दूध पीने से बॉडी में गर्मी बढ़ती है, इसे ज्यादा पिएंगे तो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हल्दी वाला दूध पीने से बॉडी की गर्मी बढ़ती है, इसलिए पीरियड्स के दौरान इसे पीने से हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। खून की कमी के पेशेंट्स रेगुलर हल्दी वाला दूध पिए तो उन्हें पीलिया हो सकता है। और कभी किसी को पीलिया हो जाए यानी कि पीलिया होने पर डाइजेशन कमजोर हो जाता है, ऐसे में हल्दी वाला दूध पीने से लूज मोशन और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हल्दी वाला दूध पीने से बॉडी की गर्मी बढ़ती है, ज्यादा मात्रा में इसे पीने से नाक से खून आने की प्रॉब्लम हो सकती है। गॉल ब्लेडर स्टोन या गॉल ब्लेडर से जुड़ी कोई अन्य प्रॉब्लम है तो हल्दी वाला दूध पीने से ये बढ़ सकती है। बीमारी के दौरान शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे में बाजार का हल्दी पाउडर डालकर दूध पिएंगे तो उसकी मिलावट के कारण पेट में इंफेक्शन हो सकता है। हल्दी वाला दूध ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस धीमी कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए यदि आपकी सर्जरी हुई है या होने वाली है तो हल्दी वाला दूध अवॉइड करें, उसका इस्तेमाल मत करें। तो दोस्तों, ये है हल्दी वाला दूध अगर आप ज्यादा पीते हैं तो उसके कुछ नुकसान। तो सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें, कभी कभार इसका इस्तेमाल करें। हद से ज्यादा किसी चीज का सेवन करना भी नुकसान देता है और किसी चीज का कम सेवन करना भी नुकसान देता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।